हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल ऑफ व्लादिमीर नाबोकोव एंड द नॉवल इज पेल फायर। दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1962 एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम्स ऑफ लिटरेचर। एंड द टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स टिमन ऑफ एथेंस। सो फ्रेंड, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉवल। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की टू स्टोरी लाइन्स हैं, ठीक है, जिसमें कि एक स्टोरी जो है वो है न्यू वाई की। न्यू वाई जो कि इंग्लैंड का एक छोटा सा स्मॉल न्यू टाउन है, और दूसरा जो है जगह वो है फॉरेन लैंड, जिसको हम बोलते हैं जैम्बला। इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है जॉन शेड। जॉन शेड एक पोइट भी है, एक फिलोसोफर भी है, एक प्रोफेसर भी है, जो कि न्यू वाई में रहता है। और ये अपना लास्ट वर्क इसका था पेल फायर, जो कि इसने 999 लाइंस लिखी। लेकिन एक लाइन लिखने से पहले ही, मीन्स फाइनल लाइन, मीन्स टोटल लाइन इसको लिखनी थी 1000, लेकिन इसने 999 लाइन लिखी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? जॉन शेड की। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर इसका ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, जिसका नेम होता है चार्ल्स किनबोट। चार्ल्स किनबोट लिटरेचर का प्रोफेसर भी था, और इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। जब जॉन शेड की डेथ हो जाती है तो जॉन शेड की वर्क को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और लोग इसके वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। लेकिन इसका जो फ्रेंड चार्ल्स था, ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इसके वर्क को एडिट भी करूँगा और इस पर कमेंट्री भी लिखूँगा। इसका रिलेशन बहुत अच्छा भी था इससे, और ये लोग ना एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रेंड चार्ल्स ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इसके वर्क को एडिट करूँगा। और फ्रेंड्स, ये जो वर्क है इसको डिवाइड किया गया है 4 कैंटोस में, ठीक है। अब जब चार्ल्स किनबोट इसकी कमेंट्री लिख रहा है, तो उसमें वो बताता है कि किस तरीके से वो न्यू जैम्बला जगह में वो अकेला था, न्यू वाई के बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि उसने जब स्पाउस को चूज़ किया था, मीन्स अपनी वाइफ के बारे में बताता है, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसको इन सब चीज़ों से, कोर्ट की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा ना उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा था, सोसाइटी की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होने लगी थी। अब यहाँ पे जो चार्ल्स किनबोट ने जितनी भी कमेंट्री में बातें बताई, वो सारी बहुत ही ज़्यादा ना हिलेरियस थी, बहुत ही ज़्यादा बिजारे थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा विचित्र बातें बताई थी, जिसकी वजह से ना जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा ना हिलेरियस हो गई थी। फिर आगे वो बताता है कि एग्जैक्टली उसका नेम क्या था। उसका नेम था चार्ल्स द बिलविड, और वो एक एग्जाइल्ड किंग था, किसका? जैम्बला का। और अभी इस टाइम पे वो कहाँ रह रहा था? इनकॉग्निटो में रह रहा था। अब वो अपने बारे में बताता है, अपने कोर्ट की लाइफ में बताता है, उसके साथ किस तरीके से लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, उसको मजबूर किया था कि वो अपनी जगह छोड़ के चला जाए, मीन्स अपने किंगडम को छोड़ के चला जाए, किस तरीके से वो एग्जाइल में चला गया। उसके बाद वो कैरेक्टर के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है ग्रेडस। जो ग्रेडस था, एक बहुत ही प्रोफेशनल ही क्या था, एक मर्डरर था, मीन्स वो बहुत अपने काम को ना बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ करता था। उसको ये बोला गया था कि वो चार्ल्स द बिलविड का मर्डर कर दे, और ये चीज़ चार्ल्स को पता चल गई थी। तो चार्ल्स ने सोचा कि यहाँ से मेरा भागना ही बेटर है, नहीं तो ये मुझे ना मार देगा। इस वजह से चार्ल्स ना यहाँ से अपना सारा किंगडम छोड़ के कहाँ चला गया था? एग्जाइल में चला गया था। उसके बाद ये ग्रेडस पहुंच जाता है न्यू वाई में, और न्यू वाई में जाके वो जॉन शेड को ना शूट कर देता है, और बहुत ही ब्रूटली इसका मर्डर कर देता है। जॉन शेड की डेथ हो जाती है यहाँ पे। लेकिन जो चार्ल्स किनबोट का गार्डनर था, वो अनकॉन्शियसली ग्रेडस को ना फैटली वुंडेड कर देता है, जिसके बाद इस टाइम पे अब वेट हो रहा है कि पुलिस का
पुलिस आए और ग्रेडिस को पकड़ के ले जाए। इसी टाइम पे चार्ल्स किनबूट को मौका मिल गया और वो जॉन शेड के घर पे जाके, जहाँ पे उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी रहती थी, वहाँ पे जाके वो छिप जाता है और इस तरीके से उसको मौका मिल जाता है कि वो जॉन शेड के वर्क को एडिट करे और उस पर कमेंट्री भी करे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में व्लादिमीर नाबोकोव एक इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि जब चार्ल्स किनबूट ने इस बुक को कंप्लीट कर लिया था तो यहाँ पे चार्ल्स किनबूट ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। इसके पहले जो ग्रेडस था, जिसने कि जॉन शेड को मारा था, तो यहाँ पे ग्रेडस भी सुसाइड कर लिया था उसने भी, और यहाँ पे लास्ट में चार्ल्स किनबूट ने भी सुसाइड कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मेन ये था, टाइटल था, आउटव्यू मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये था, जॉन शेड जिसके जो ऑथर था मेन पेल फायर पोयम का, जिसने कि 999 लाइंस लिखी थी, एक लाइन ही बची थी और उसकी डेथ हो गई थी। चार्ल्स किनबूट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये अथॉरिटी शो करी कि एग्जैक्टली वो वर्क इसने लिखा हुआ है, जिसने चार्ल्स किनबूट ने लिखा है, और एग्जैक्टली उसने ना वहाँ पे कमेंट्री लिखी थी। चार्ल्स किनबूट जो कि एक किंग था, एग्जाइल्ड किंग था, इसका रियल नेम था चार्ल्स द बिलविड। इसके बाद ग्रेडस को हायर किया गया कि वो चार्ल्स किनबूट का मर्डर कर दे, क्योंकि वो किंग था, लेकिन चार्ल्स किनबूट को ये चीज़ पता चल गई, वो यहाँ से छोड़ के चला गया और जाके वो जैम्बला में रहने लगा, मीन्स इनकॉग्निटो में रहने लगा। उसके बाद ये जो ग्रेडस था, ये पहुँचता है न्यू वाई, वहाँ पर अनकॉन्शियसली, मीन्स उसका कोई इंटेंशन नहीं था जॉन शेड को मारने का, लेकिन जॉन शेड को मार देता है। जब चार्ल्स किनबूट का गार्डनर ये देखता है कि उसने जॉन शेड को मार दिया, तो वो क्या करता है, ग्रेडस को बहुत ही ज़्यादा फैटली वाउंडेड कर देता है। जब पुलिस इसको पकड़ के लिए जा रही थी, उस टाइम पे चार्ल्स किनबूट को मौका मिल गया और उसके घर पे जाके छिप गया। तो अभी आई एम श्योर कि अभी आपको आगे की स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।